हेलो गाइस, तमिलनाडु के फेमस आस्था और कलाकृति का सर्वोच्च मंदिर माता मीनाक्षी का दर्शन कर तमिलनाडु टूर के दूसरे भाग में हम बात करेंगे मुरुगन स्वामी की। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी के नाम से जानते हैं, उनके 6 निवास स्थानों में से एक तिरुपरनकुंद्रम मदुरई से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ साल भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। कहते हैं एक बार ब्रिटिश मुरुगन स्वामी की मूर्ति को लूटकर समुद्र के रास्ते ले जा रहा था कि तभी इतनी जोर की तूफान आई कि उसे उस मूर्ति को समुद्र में ही छोड़कर जाना पड़ा। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपने एक भक्त को स्वप्न में उस मूर्ति की जानकारी दी, बताया जिस जगह पर मूर्ति है उसके ऊपर एक नींबू तैर रहा होगा, और उस भक्त ने फिर वहीं समुद्र किनारे उस मूर्ति की स्थापना की। इतना ही नहीं, 2000 में जब सुनामी आई थी तब भी पूरा शहर बर्बाद हो गया था, लेकिन ये मंदिर ठीक उसी तरह अपने अस्तित्व में रहा। इसी स्थान पर भगवान मुरुगन का देवयानी के साथ विवाह हुआ था, इसलिए यह स्थान शादी करने के लिए पवित्र माना जाता है। हमारा भी कुछ ऐसा ही सौभाग्य रहा, जब हम दर्शन करने गए उस समय वहाँ एक कपल की शादी हो रही थी, हमने उसे भी एंजॉय किया। चट्टानों को काटकर बनाए गए इस मंदिर में भगवान गणपति, शिव, दुर्गा, विष्णु आदि के अलग से मंदिर भी बने हुए हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके सबसे भीतरी मंदिर को एक ही चट्टान से काटकर बनाया गया है। इस मंदिर की एक और विशेषता यहाँ के गुफा मंदिर हैं, जिनमें तराशी गई भगवान की प्रतिमाएं समान दूरी पर बनाई गई है। उनकी यह समानता सभी को आकर्षित करती है इन गुफाओं तक आने के लिए संकरे अंधेरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। और एक ख़ास बात, जैसे कृष्ण की मूर्ति या फिर फ़ोटो या फिर जो भी कहिए, भक्ति कहिए, जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में प्रचलित है, वहाँ भी आपको तमिलनाडु में भी आपको हर जगह मुरुगन स्वामी की बाल रूप में बहुत ही खूबसूरती से कहीं ना कहीं पोस्टर, कहीं ना कहीं मंदिर और एकदम कलरफुल मंदिर आपको मिल जाएंगे। इतनी कलरफुल आपको तमिलनाडु में ही मंदिर को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा। अगले भाग में हम फिर आपको कुछ नई जगहों से मिलवाएंगे तमिलनाडु के इस टूर में। तब तक आपका धन्यवाद, शुक्रिया।